हे एवरीवन, माय नेम इज़ सौर्या गुप्ता। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल होती हैं। फर्स्ट ईयर में भी कर सकते हो आप इंटर्नशिप, सेकंड ईयर में भी कर सकते हो, थर्ड ईयर में भी कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके पास रिक्वायर्ड स्किल सेट है क्या, जैसे कि वेब डेवलपमेंट हो गया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया या मशीन लर्निंग हो गया। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अ कम्प्लीट रोड मैप वॉट ऑल वी शुड डू बिफोर डूइंग द इंटर्नशिप्स so that we can grab those internships and eventually grab a good placement। तो जैसा कि आपको पता है कि placement के point of view से भी internships बहुत important होती हैं। जब आप placements के लिए interview देने जाओगे तो आपके resume में तो एक दो अच्छी interns लिखी हुई है ना, तो वो आपको काफ़ी help करेंगी। बाकी candidates से आपको एक तरीके से हट के दिखाएंगी, they will make you stand out from the other candidates। सो कॉलेज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंटर्नशिप्स करें, अच्छी इंटर्नशिप्स करें। सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा अ रोड मैप टू गेट अमेजिंग इंटर्नशिप्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना गाइस, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तो स्टार्ट करते हैं कि इंटर्नशिप्स के लिए कैसे क्या तैयारी करनी चाहिए। तो यार, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स ही आपका फंडामेंटल स्टेप है। सबसे पहला स्टेप ही आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स है टुवर्ड्स अ ग्रेट इंटर्नशिप। डेटा स्ट्रक्चर्स एज अ प्रोग्रामर आपको आने ही चाहिए यार। इंटर्नशिप के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट ये नहीं है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स में बिल्कुल ही एकदम एक्सपर्ट होना है, बट ज़रूरी ये है कि आपको एक डिसेंट लेवल ऑफ DSA तो आना ही चाहिए। मतलब प्रॉब्लम्स के लॉजिक आप आसानी से बिल्ड कर पा रहे हो और उस लॉजिक को आप कोड में बिना किसी इशू के साथ इफ़िशेंटली कोड कर पा रहे हो। तो बेसिकली DSA से एक आपको फाउंडेशन मिल जाती है कि कोड कैसे लिखते हैं, कैसे एक कोड को हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज बनाते हैं कि वो कोड जो है कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करे, जल्दी से जल्दी हमारा एग्जीक्यूट हो जाए और कम से कम एरर आए उसमें। तो DSA में एरेज, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्जन, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हर टॉपिक के अच्छे से बहुत सारे जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो करने चाहिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाए आपको। इंटरव्यू प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन गो ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म कोड स्टूडियो बाय कोडिंग निंजास, जहाँ पर आपको थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे फ्रॉम टॉप कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, एंड साथ ही आपको गाइडेड पाथ्स भी हैं ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एंड रिलेटेड टॉपिक्स, जहाँ से आप फ्री में DSA सीख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फर्स्टली यू हैव टू डू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, लाइक वेदर यू डू थ्रू अ कोर्स और थ्रू अ गाइडेड पाथ और डू फ्रॉम एनी वेयर, बट डू इट। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, तो DSA इम्पॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ सकते आप। दैट इज़ अ मस्ट थिंग। नाउ वंस वी आर डन विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, क्योंकि ऑन कैंपस जो इंटर्नशिप्स होती हैं उनमें मोस्टली आपसे DSA तो पूछा ही जाता है। वहाँ पर कंपनीज जो आती हैं उसके साथ साथ कई कंपनीज आती होती हैं जो प्रोजेक्ट को भी कंसिडर करती हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो होता है वो आपको एक बेस दे देता है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड दे देता है, एक फाउंडेशन बना देता है। बट इंटर्नशिप में आपको ये ज़रूरी होगा कि आप और भी स्किल सीखो, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट, क्योंकि जब आप एज एन इंटर्न इंडस्ट्री में काम करने जाओगे ना, आपसे वहाँ पर काम जो करवाएंगे, आप वहाँ पर इन डेवलपमेंट स्किल से रिलेटेड ही काम करोगे। अकेले प्रॉब्लम सॉल्विंग के बेसिस पर काम नहीं हो रहा होगा वहाँ पर। तो बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स हैं, बट जो टॉप स्किल्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो है वेब डेवलपमेंट, फॉलोड बाय ऐप डेवलपमेंट, एंड देन लास्टली मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस। आई थिंक इफ़ यू डू इवन एनी ऑफ वन ऑफ दीज स्किल्स नाइसली, देन योर इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज बाय एन अमेजिंग लेवल। अगर आप इवन वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो कोई भी एक फ्रेमवर्क सीखो यार। मतलब HTML, CSS और JavaScript तो सीखने हैं, ये आपके फ्रंट एंड के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड इसके साथ साथ कुछ फ्रेमवर्क सीखो, जैसे कि React.js हो गया, Angular हो गया, Vue हो गया, उन्हें भी एक्सप्लोर करो और सीखो। और ऐसे ही बैक एंड का फ्रेमवर्क सीखो, Node.js, Ruby on Rails, इनमें से कोई सा भी जोन सा आपको पसंद है वो सीखो। अगर इनमें से आपको कोई भी फ्रेमवर्क अच्छे से यूज़ करना आता है, उसके आपको मतलब कंसेप्ट्स क्लियर हैं,
तो यार ये पक्का है हो जाता है कि आप वेबसाइट तो अच्छे से बना ही लोगे। एंड यार ये आप प्रोजेक्ट्स के थ्रू दिखा सकते हो कि आपने वो रिएक्ट आती है, नोड जेएस आता है, सिर्फ रिज्यूमे पे लिख देने से कुछ नहीं होगा। जब रिक्रूटर लोग आपकी वेबसाइट से इंटरेक्ट करेंगे, उसको चलते हुए देखेंगे, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यार इस बंदे को ना इसको आता है, अच्छे से वेबसाइट बनानी आती है इसको। तो ध्यान रखो कि आप सिर्फ चीज़ों को सीख नहीं रहे हो बट उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हो। तो ऑल इन ऑल अगर आप वेब डेवलपमेंट में चूज़ करते हो, अपना इंटरेस्ट शो करते हो, तो फ्रंट एंड सीखना, बैक एंड सीखना, उनसे रिलेटेड एक एक फ्रेमवर्क जो कि आपको पसंद हो वो मास्टर करना, एंड फिर उसके बाद उन पर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स करना एंड उन्हें फाइनली डिप्लॉय ज़रूर करना ताकि लोग उसे यूज़ कर सके। इतना भी कर लोगे तो इट विल बी एन अमेजिंग प्रोजेक्ट फॉर प्लेसमेंट पर्पसेस। तो अगर आपके DSA अच्छी है एंड वेब डेवलपमेंट स्किल्स अच्छी है तो आपको इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी यार। वेब डेवलपमेंट में बहुत सारी इंटर्न की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एंड ऐसे ही अगर आपका मन है ऐप डेवलपमेंट में कि यार इंस्टेड ऑफ वेब डेवलपमेंट मुझे नहीं अच्छी लगती वेबसाइट बनानी, मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, कोई भी रीज़न है, अगर आपका मन है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड सम ऐप्स, मुझे iOS पे ऐप बनाने हैं, एंड्रॉयड पे ऐप्स बनाने हैं, तो आप ऐप डेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें भी सेम वही रहेगा कि जैसे वेब डेवलपमेंट में था कि पहले तो सारी चीज़ें अच्छे से सीखनी है एंड देन उसके बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, उनको अप्लाई करना है, देखो कि क्या कहाँ आपको थ्योरी से प्रैक्टिकल में जाने में कहाँ आपको दिक्कत आती है, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, फिर उसके बाद उन्हें डिप्लॉय करना है ताकि यूज़र, रिक्रूटर्स, लोग, दुनिया उससे इंटरेक्ट कर पाए और उसे यूज़ कर पाए। अपने रिज्यूमे पर ज़रूर मेंशन करना अबाउट द लिंक ऑफ द वेबसाइट या फिर ऐप जो आपने बनाए हैं ताकि रिक्रूटर उसे यूज़ कर सके, चेक कर सके। अब अगर आपको ना वेब डेवलपमेंट अच्छी लगती है ना ऐप डेवलपमेंट में मज़ा आ रहा है तो आप मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको एल्गोरिदम्स पसंद हैं तो आप मशीन लर्निंग पढ़ सकते हो जिसमें कि आप मशीन को यानी कंप्यूटर को सोचना सिखाओगे, कुछ टास्क करना सिखाओगे जैसे कि कलर्स को आइडेंटिफाई करना, फ्यूचर सेल्स को प्रेडिक्ट करना किसी पर्टिकुलर स्टोर की, या फिर इवन कार चलाना जैसे कि टेस्ला का हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है। इसके लिए आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स जैसे लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, सैम्पलिंग थ्योरी, प्रोबेबिलिटी आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एल्गोरिदम्स को अच्छे से समझना है ना कि कैसे हर एल्गोरिदम काम कर रहा है, अगर मैं न्यूरल नेटवर्क का कोड लिख रहा हूँ तो वो और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा उसको सही कैसे करा जा सकता है, कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ करा जाए, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ये सब आपको तब ही पता चल पाएगा अगर आपने एल्गोरिदम्स को समझा होगा। जैसे कि हमने डेवलपमेंट में प्लान करा था वैसे ही हम लोग मशीन लर्निंग में ही करेंगे कि 3 महीने हमने लगा के अच्छे से सारे एल्गोरिदम्स को, सारे कंसेप्ट्स को, सारी अंडरलाइंग चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लिया है, फिर उसके बाद 3 महीने हम लोग नेक्स्ट 3 महीने जो है बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि वही थ्योरी और प्रैक्टिकल का गैप जो है वो ब्रिज हो जाए। सो इफ़ यू डू दिस लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स प्लस कोई एक एडिशनल स्किल आपने सीखी है, देन आई थिंक यू आर कम्प्लीटली रेडी फॉर गेटिंग इंटर्नशिप्स, आप किसी भी तरीके की इंटर्नशिप के लिए तैयार हो। नाउ अगर आपके पास कुछ टाइम बचता है तब आप कुछ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्राई कर सकते हो। 2 महीने तो एटलीस्ट आपको देने ही पड़ेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को अगर आपको इसमें अच्छा बनना है। अगर इतना टाइम नहीं है तो थोड़ा रिलेटिवली कम दो एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को टाइम एंड डेवलपमेंट पे आप मेजर फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर आप DSA अच्छे से कर लेते हो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा टाइम इतना हेल्प नहीं करेगा, बट डेवलपमेंट स्किल्स अच्छा ज़्यादा होना मैटर करता है। इतना सब करने के बाद अब टाइम है कुछ इंटर्न्स के लिए, कुछ इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने का, और किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जो था, जितना आपने सीखना था सब आपने सीख लिया, जो जो मेंशन करना था आपने रिज्यूमे पे सब मेंशन कर दिया, स्किल सेट तो सारा तैयार ही हो गया, राइट। कुछ कुछ पॉपुलर इंटर्नशिप्स हैं जैसे कि GSOC, पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन एंड बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट ओवर देयर एंड बेसिकली वर्क कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द थिंग्स। इसके अलावा भी आप फ्रीलांस कर सकते हो यार, एंड इवन ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए ट्राई कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू, रेफरल्स के थ्रू, बहुत तरीके हैं। आपका रिज्यूमे तो तैयार है, अब उसको यूज़ करो, रीच आउट टू स्टार्टअप्स एंड दे विल डेफिनेटली ऑफर यू अ गुड इंटर्नशिप, जैसे कि Zomato हो गया, ओला हो गया, ओयो रूम्स हो गया, ये कंपनीज लगातार इंटर्न्स ढूंढती रहती हैं। इन स्टार्टअप्स में आपको बहुत सारा काम करने को मिलेगा विद ओनरशिप एंड देयर विल बी टू मच डिपेंडेंसी ऑन यू,
सो ये ऐसे इंटर्न्स ढूंढते हैं जिनको इन्हें कुछ सिखाना ना पड़े, एंड अगर आपको स्किल्स पहले से ही आती हैं तो आपको इन स्टार्टअप्स में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना बहुत आसान हो जाएगा यार। अगर आपको स्टार्टअप्स में नहीं जाना, अगर आपका मन है कि यार मेरे को बड़ी कंपनीज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम करना है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में काम करना है, तो इनके लिए आप अप्लाई करो इनकी कैरियर वेबसाइट से जाके, या फिर जब आपके कॉलेज के प्लेसमेंट्स के टाइम पे ये आपकी कंपनीज आएँ तब आप इनमें ट्राई कर सकते हो। तो यार बेसिकली बात यही है कि अगर आपको DSA अच्छे से आता है, स्किल्स आपने कुछ एक्स्ट्रा सीख रखी है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, कोई भी आपने स्किल्स अच्छे से सीख रखी है, तो आपको किसी भी तरह की कंपनी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब चाहे वो आप स्टार्टअप में देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में देखो, ऑन कैंपस देखो, ऑफ कैंपस देखो, या फिर लिंक्डइन से रेफरल के थ्रू जाओ, कैसे भी इतना सब करने के बाद यू आर रेडी फॉर इंटर्नशिप्स। यार एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि यूजुअली हम लोग ना इंटर्न्स के टाइम पे, यार इवन प्लेसमेंट्स के टाइम पे काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं जब हमें कुछ टाइम रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। बट यार वो टाइम बैठ के दुखी होने का नहीं होता, मोटिवेशन लूज करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आपको आता तो है ना, आपने DSA आता है, आपको डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग जो भी आपने सीखा वो आता है, आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं, उस पर काम करा है, उसमें सीखा है चीज़ों को अच्छे से, तो इस चीज़ से डीमोटिवेटेड और परेशान या वरी मत होना, वरना जितना आपने हार्डवर्क करा है सब डीमोटिवेशन की वजह से वेस्ट हो जाएगा। आप मेजर टाइम डीमोटिवेशन, डिप्रेस्ड में रहोगे और चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाओगे। देखो ऑनेस्टली ऐसा नहीं होगा कि जिस जिस कंपनी में आप अप्लाई करोगे सब में आप सिलेक्ट हो जाओगे, कुछ कुछ में आपको रिजेक्शंस फेस करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टाइम आपको रिजेक्शंस मिलेगा फॉर वन और मोर रीजंस, बट बाकी 40% में भी तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। सो बेसिकली डोंट थिंक सो मच, एंड इफ यू आर रिजेक्टेड देन थिंक इट इज़ ओके एंड गॉड हैज़न्ट प्लान दैट फॉर यू। वेर एवर यू आर गेटिंग इट यू विल वर्क नाइसली ओवर देट, जहाँ भी आपको काम मिलेगा आप अच्छे से करोगे, एंड दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप अच्छा काम करोगे ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, तो यार इसमें ना आपका ही फायदा होता है। एक तो आपको सीखने को मिलेगा, एक डायरेक्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि जितना भी आपने अब तक पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, वो सब एक तरीके से ना वो सब थ्योरी है, आपने उसे इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करा, आपने उसे बाहर रियल वर्ल्ड से टेस्ट नहीं करके देखा। सो जब आप इंटर्नशिप करोगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे, तब आपको असली इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा, आप ही की प्रैक्टिकल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा भी अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा काम करा होगा ना, तो ऐसे जनरली होता ही है कि कंपनी ना आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर या फिर PPO जैसे कहते हैं वो भी दे देती है, तो आपको एक ना एक तरीके से जॉब ऑफर मिल जाता है, एंड आप फिर थोड़ा टेंशन फ्री हो सकते हो कि अब यार अगर अब मेरे को मिल गया जॉब ऑफर तो अब मैं चाहता हूँ तो किसी और कंपनी के लिए ट्राई कर सकता हूँ, या फिर आगे फर्दर कुछ और कोर्स करना है, मास्टर्स करनी है, कुछ और करना है, तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। सो टू समराइज दिस वीडियो, आप अपने आप को इंटर्नशिप के लिए रेडी तभी कह सकते हो अगर आपने DSA अच्छे से आती है, कोई डेवलपमेंट स्किल जैसे वेब डेवलपमेंट या फिर ऐप डेवलपमेंट या मशीन लर्निंग आपने कोई ऐसी एक्स्ट्रा स्किल जो है आपने अच्छे से कर रखी है, उसमें प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, उनको डिप्लॉय कर रखा है, तो आप अपने आप को इंटर्नशिप मिलने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मान के चलो आप। मैं फिर कहूँगा कि यार सिलेक्शंस रिजेक्शंस चलते रहेंगे, एंड इनसे डीमोटिवेटेड नहीं होना, वरना सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको एक क्लियर पाथ मिल गया होगा कि कैसे आप अब तैयारी करनी है अपने इंटर्नशिप्स के लिए। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड सब्सक्राइब टू द कोडिंग निंजास चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू।